जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप लोग बहुत ही बढ़िया हो। मैं एक फेर्डौस मंडल और आप लोग देख रहे हो प्रीडिफेंस एकेडमी। दोस्तों आज मैं मैथ के ऊपर एक क्लास लेंगे। देखिए, एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 30 सेकेंड से 36 सेकेंड होता है। जैसे एग्जाम होता है ऐसे ही एक क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन 30 सेकेंड के अंदर करने के लिए कुछ ट्रिक्स आपको सीखना जरूरी है। 30 सेकेंड के अंदर तब आप लोग कर पाओगे जब कुछ मैथ 2 से 3, 5, 10 सेकेंड के अंदर कर सकते हैं। हो तो उस टाइम उस टाइप का कुछ आपको हेल्प होगा। ये तो ज़्यादा आपको हेल्प में शायद नहीं आएगा, पर दूसरा मैथ करने के लिए ये वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। तो आज मैथ का जो क्लास है वो आप शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। इसके लिए हम लोगों को बोर्ड के साइड जाना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी मैथ, दो अक्षर का कोई भी मैथ का मल्टीप्लीकेशन एक लाइन में आप कर सकते हो बहुत ही आसानी से। तो इसके लिए आपको थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा कैमरा नजदीक लाना पड़ेगा। अभी कोई भी आप दो अक्षर ले लो, कोई भी आपको दो अंक ले लो, जैसे 34 × 23। तो दोस्तों इसको मल्टीप्लीकेशन करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम लोग जब पहले सीखा था, बहुत बड़ा करके सीखा था, तो अभी इतना टाइम नहीं है, एग्जाम तो बहुत कम टाइम के अंदर आता है। तो इसलिए आपको एक चीज करना है, ऐसा एक कर लो, आप खुद के नोटबुक पर भी कोशिश करो, ऐसा एक डायग्राम बना लो और एंड में ऐसा बना लो। इससे क्या होगा, आपका जो ऊपर नीचे वाला जो मैथ है, पहले इधर आपको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। 3 × 4 = 12 है, 12 है तो 12 के अंदर 2 बसेगा, जो एक रह गया वो रख लेंगे। उसके बाद इधर ये जो दो कोना में है इसको आपको मल्टीप्लीकेशन करना है, और उसके बाद उसका सम करना है। 4 × 2 = 8 है, 8 है और 3 × 3 = 9 है। तो मतलब 9 और 8 कितना हुआ, 18 हुआ। तो 18 का 8 है और रह गया कितना, 1 रह गया। दोस्तों ये 1 रह गया, अभी 1 × 3 = 6 है, 6 × 1 = 7 है। कितना आसानी से एक लाइन के अंदर आपको हो गया ना। 3 × 4 देखो 12 है, हाथ में 1 है, 9 है, 8 है और 1, टोटल 18 है। 8 हाथ में 1 रहा और 3 × 6 = 7, आपका मिल गया आंसर 7 8 2। और एक देख लेंगे, और एक आप लोग एग्जांपल देख लो, 97 और 53। दोस्तों सेम एज ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लीकेशन करना है। 3 × 7 = 21, 21 × 1 है, हाथ में आपको 2 रह गया, और 3 × 27 है और 5 × 35 है, 35 है। टोटल आपको कितना आ गया अभी देख लो, तो 7 × 14 = 6, 64 आ गया। 64 × 4 है, हाथ में 6 है, 6 आपको इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करके आपको सम करना है। 5 × 45 है और 6 = 51 है। दोस्तों 51 ये आपको एक लाइन के अंदर एक गुना हो गया। तो सिर्फ आप ये वाला हिस्सा याद रखो, और कोई भी मैथ आप झटपट 2 सेकंड के अंदर कर सकते हो। तो मैं एक घर के लिए आपको
मैथ देंगे, इसका आंसर झटपट यही रूप से करो और उसके बाद कमेंट में डाल दो। 22 और 86 दोस्तों, इसका आंसर आप जल्दी कमेंट में डाल दो। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का ये वाला फॉर्मूला याद आ गया और आप अपने जो नोटबुक है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करो, खुद मैथ बनाओ और खुद प्रैक्टिस करो। कोई भी प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट में डाल दो और उम्मीद है ये वाला फॉर्मूला आपका बहुत काम में आएगा। नया कोई टॉपिक के साथ और नया कोई मैथ के साथ दोबारा मुलाकात होगा, तब तक जय हिंद।